WWE में, जो भी WWE के फैंस है गाइस उन लोगों के लिए ये, मिकी गैल ने सीएम पंक ने गाइस डेब्यू किया था WWE छोड़ के, WWE में वो पीक में था अपना करियर का, वो छोड़ के गाइस उसने UFC में डेब्यू किया था। हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतीक एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रैथम। तो गाइस आज का जो टॉपिक होने वाला है इसके बारे में मैं कल ही वीडियो बनाने वाला था गाइस। मैं कैसा था कि ये टॉपिक है गाइस मेरे दिल के बहुत करीब है, ऑलमोस्ट जितना भी मैं वीडियोस बनाता हूँ सब कुछ दिल के करीब ही होता है गाइस। मेरा सारा वीडियोस ऐसा रहता है जो मेरे को पसंद है, ठीक है। आप लोगों को लगता रहेगा कि ये सेल्फिश बन रहा है, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ गाइस कि जो चीज़ आपको पसंद, अगर कोई भी क्रिएटर बिगिनर है वो सुनना चाहता है, तो मैं भी एडवाइस करने के जोन, मतलब एडवाइस करने के पोजीशन में तो नहीं हूँ, ठीक है। 80-87 सब्सक्राइबर्स लेके मैं एडवाइस तो नहीं करूँगा किसी को, लेकिन गाइस कितना भी सब्सक्राइबर हो कितना भी लाइक हो, मैं वही करने वाला हूँ जो मेरे को पसंद है, ठीक है। क्योंकि अगर एक साल बाद, 2 साल बाद भी अगर मेरा 500 सब्सक्राइबर 600 सब्सक्राइबर होता है, अगर वो क्रॉस नहीं होता है, तो भी मेरे को बुरा नहीं लगेगा गाइस, क्योंकि मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे को पसंद है, मेरे को प्रोसेस बहुत मजा आ रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ गाइस कि मेरे को रिजल्ट के बारे में मेरे को फिक्र ही नहीं होता, क्योंकि मैं प्रोसेस बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल संडे को गाइस मोस्टली मैं MMA का डाई हार्ड फैन हूँ गाइस, और MMA बोले तो सिर्फ UFC गाइस फिलहाल के लिए, तो सिर्फ UFC है। वैसे ONE चैंपियनशिप भी बहुत ऊपर आ रहा है गाइस, लेकिन सबसे पहले जो MMA का मार्केट जिसने बड़ा किया है वो UFC ने किया है। लेकिन मैं सिर्फ UFC को ये नहीं, इतना बड़ा क्रेडिट नहीं देना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि UFC बना है एक इंसान की वजह से गाइस। वो इंसान नहीं रहता था ना तो UFC ये लेवल पे नहीं रहता था गाइस। इंडिया में भी बहुत ज़्यादा लोग फैंस बन रहे हैं इंडिया में भी, लेकिन और 2-3 साल लगेगा गाइस मार्केट क्रिएट होने के लिए इंडिया में, कि उन लोग आके, मतलब इंडिया का कोई अरीना रहेगा, कोई भी क्रिकेट स्टेडियम वगैरह खरीद के बीच में स्टेज बना के, क्योंकि अभी नहीं आ रहे क्योंकि लोग नहीं है। टिकट्स खरीदना चाहिए ना गाइस, जैसे कि अभी IPL के लिए लोग क्रिकेट का टिकट खरीदते हैं, बिकॉज क्रिकेट मतलब पागल है लोग क्रिकेट के लिए, राइट। इंडिया में पागलपन है अलग लेवल का, तो उसी तरह से जो पागलपन है ये आने के लिए कम से कम 4-5 साल लगेगा, लेकिन ये आएगा, मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीफ है, जब आएगा तो मैं टिकट लेके जाऊंगा गाइस पक्का, क्योंकि क्रिकेट का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। एक ही स्पोर्ट है जिसके पीछे मैं पागल हूँ, वो मिक्स मार्शल आर्ट्स गाइस। तो कल मैं ये वीडियो बनाने वाला था, लेकिन कुछ इश्यू की वजह से मैं नहीं बना पाया, तो मैं आज बना रहा हूँ गाइस। तो ये वीडियो है जो भी कल UFC संडे को UFC का फाइट्स रहता है, एवरी संडे गाइस, दैट इज सैटरडे को रहता है, मतलब फॉरिन कंट्रीज में, US वगैरह में, वो उनके टाइम के हिसाब से मोस्टली सैटरडे को रहता है, सैटरडे नाइट, ठीक है। सैटरडे नाइट मतलब गाइस MMA जैसे अपने इंडिया में क्रिकेट है ना गाइस, वैसे US और जो भी है, US हो गया वो वाला, मतलब इटली वगैरह जो भी है यूरोप, अपना फॉरिन कंट्रीज है, वहाँ पे इन लोग पागल है गाइस। सैटरडे नाइट को इन लोग मतलब अपना जो भी बियर वगैरह जो भी है जो भी पीते है गाइस, उन लोग पार्टी करते गाइस, उन लोग पूरा मतलब बड़ा स्क्रीन रहेगा, मतलब बार में वगैरह सब जगह स्क्रीन रहेगा बड़ा बड़ा, और इन लोग पार्टी करते हैं, पूरा फाइट देखते हैं फैमिली के साथ, लाइक इट्स लाइक अ ट्रेडिशन फॉर देम, जैसे हम लोग क्रिकेट के साथ देखते हैं, सबके फैमिली के साथ देखते, वैसे वहाँ पे पागलपन है। तो एवरी संडे को फाइट रहता है गाइस। तो ये लास्ट संडे का जो फाइट था, उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ UFC को बड़ा किया है किस इंसान ने, UFC को बड़ा किया है गाइस डेना वाइट ने। डेना वाइट प्रेसिडेंट है UFC का, इससे पहले ही वॉज अ प्रेसिडेंट एज वेल एज को फाउंडर ऑफ UFC। तीन लोग थे UFC के फाउंडर्स, डेना वाइट, फर्टिटा ब्रदर्स करके, फर्टिटो ब्रदर्स समथिंग लाइक दैट। तो ये तीनों ने पार्टनरशिप में, डेना वाइट का 10% का सबसे बहुत ही कम, मेरे को पता नहीं है, बहुत ही कम पार्टनरशिप था। डेना वाइट का दिमाग था और पागलपन था मार्शल आर्ट्स के लिए, और ये दोनों का मोस्टली पैसा था 80%। तो गाइस जब इन्होंने स्टार्ट किया था तो कुछ भी नहीं था UFC। डेना वाइट ने बहुत ज़्यादा 20 साल से मेहनत किया है गाइस, तब जाके ये पोजीशन में उन लोग आए। और एक और बंदा है जिसको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो UFC इंडिया में खास करके इतना बड़ा फेमस हो गया, वो बंदे का नाम है, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है गाइस, वो है, बहुत लोग हैं, लेकिन इसके वजह से जो फेम, मतलब बोलते हैं ना कि, मतलब स्टार बोलते हैं ना कि, सुपरस्टार, पहला सुपरस्टार UFC का, तो वो है कोनर मैकग्रेगर गाइस, मोस्टली बहुत लोगों को पता रहेगा।
ठीक है, तो वो भी अलग लेवल का फिनोमिना है, तो तुम लोग उसके भी मैचेस वगैरह देख सकते हो। फर्स्ट राउंड में फिनिश करता है वो, 20 सेकंड में फाइट खत्म कर देता आके। ओके, ये हो गया, नेट डियाज हो गया, डियाज ब्रदर्स गाइस, दिस आर दे आर सैवेजेस, मतलब पूरा, मतलब इन लोग अगर फाइट कर रहे हो समझ जाओ गाइस, ब्लड बात हो रहा है, मतलब पूरा 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 जो जहाँ पे फाइट करते हैं इन लोग उसको ऑक्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन, ठीक है। तो पागलपन रहता है अलग लेवल का। डियाज ब्रदर्स हो गया, कॉनर मैकग्रेगर, एंडरसन सिल्वा, ये सब लेजेंड्स का नाम बोल रहा हूँ मैं, डैनियल कॉर्मियर, हेनरी सहूडो, तो इन लोग सब अलग लेवल के हैं। किसी को मैं भूल रहा हूँ क्या? भूल रहा हूँ शायद, कोई बात नहीं। तो मैं भी थोड़ा सा, मेरे को फाइट एनालिसिस करना है गाइस कल के फाइट के ऊपर। कल इंडिया में ब्रॉडकास्ट हुआ था फाइट, सोनी 10.2 और सोनी 10.3 में होता है, और एयरटेल एक्सट्रीम ऐप में भी होता है। तो हुआ था 6:00, 6:00 नहीं, मोस्टली 5:00, 6:30 को हुआ था, मॉर्निंग 6:30 या 5:30 याद नहीं आ रहा है। तो मैं थोड़ा एक हाफ एन आवर लेट हो गया, कुछ काम में था मैं, तो फिर लेट मैंने कंटिन्यू चालू किया मैंने लाइव। तो गाइस दो फाइट के बारे में बात करूंगा आपसे, मैं हमेशा वही फाइट के बारे में बात करूंगा जो अलग लेवल का पागलपन फाइट था गाइस, मतलब पूरा, मतलब ब्लड शेड बोलते ना गाइस, पूरा ऑक्टागन में जहां पे लोग रिंग में फटते थे, पूरा ब्लड शेड, मतलब एक रहता गाइस, एक रहता कि फाइट करते वक्त जब मैं ट्रेन कर रहा था मार्शल आर्ट्स में, एक रहता कि हम लोग को डिफेंस खेलना पड़ता है, राइट। एक पंच थ्रो किया, वापस पीछे गए हम लोग, पोजीशन पीछे गए, और डिफेंस डिफेंस डिफेंस, पीछे जैब थ्रो किया, पीछे आ गए, फिर से क्रॉस थ्रो किया, फिर से पीछे आ गए। लेकिन इन लोग गाइस, इन लोग पागल फाइटर्स लोग हैं जिनका मैंने नाम लिया ना, इन लोग पीछे नहीं जाते गाइस, उन लोग अगर एक बार जाते हैं तो फ्रंट एंड में ही खेलते रहते, बार बार मारते ही रहेंगे, मारते रहेंगे, तो इन लोग डक करेंगे, पंचर्स को डक करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जिधर खड़े रहेंगे ना वहीं पर डक करते हैं इन लोग गाइस, इन लोग पीछे नहीं जाते, कंटिन्यूअसली फ्रंट फुट पे, मतलब खेलते ही रहते, खेलते रहते, भले ही उन लोगों को पंचर्स लगने दो, उन लोग फूट जान दो गाइस, पूरा पूरी तरह से पूरा ब्लड शेड होगा तो भी उन लोगों का कंसर्न नहीं है। जब तक इन लोगों का कैसा है, कोई कोई फाइटर्स है गाइस यूएफसी का, मैं उन्हीं के बारे में मोस्टली वीडियोस बनाऊंगा जो एक्साइटिंग है, ठीक है। तो जो लोग डू, इन लोग ऐसे फाइटर्स है गाइस जो मैंने नाम लिया है, इन लोग डू और डाई है गाइस, डू और डाई वाला मेंटेलिटी रखते हैं लोग, या तो मारूंगा या तो मरूंगा, ठीक है। बाकी एक कोई कोई फाइट्स रहता है गाइस यूएफसी में भी ऐसा नहीं है, जो कि बोरिंग है। बोरिंग मतलब क्या गाइस, जब वहां पे ब्लड शेड नहीं होता, मैं ब्लड शेड को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन बोरिंग मतलब क्या, जब आप डिफेंसिव खेलते हो गाइस, मतलब एक जैब थ्रो किया पीछे जा रहे हो, डर रहे हो आप सामने वाले को पंचस, सामने वाले को मतलब ऑफेंसिव नहीं खेल रहे हो आप, तो जो भी ऑफेंसिव मैचेस रहेंगे ना, मैं उसी के बारे में बात करूंगा गाइस, पागल हो जाओगे आप लोग, ठीक है। तो दो मैच था, एक मैच था गाइस को मेन इवेंट, एक मेन इवेंट, दोनों गाइस अलग लेवल का फाड़ू मैचेस था दोनों। को मेन इवेंट था माइक पेरी और मिकी गैल गाइस, थोड़ा सा मैं ये दोनों का थोड़ा सा पास्ट बता देता हूँ, थोड़ा सा एक 20 से 30 सेकंड में। तो माइक पेरी गाइस ये पागल है, स्ट्रीट फाइटर बोलते हैं ना, स्ट्रीट फाइटर, ठीक है। इन लोग पागल लोग है गाइस, इन लोग डू और डाई, इन लोग को अपना जान का कुछ परवाह नहीं है, इन लोग अलग लेवल पे एंटरटेन करेंगे हम लोगों को। थैंक यू सो मच माइक पेरी, ठीक है। अपना जो भी तुम लोग हो गाइस, जो भी डू और डाई वाला मेंटेलिटी रख के हम लोग को एंटरटेन करते हो, हम लोग को मजा तो आता है, लेकिन थैंक यू फॉर रिस्किंग योर लाइफ फॉर अस, फॉर फैंस लाइक अस, दैट फैंस लाइक अस, एवरी एवरी एवरी, मतलब दो दो से 3 महीने में लोग जाके फाइट करते हैं ये वाला। तो माइक पेरी गाइस, माइक पेरी और मिकी गैल, मिकी गैल ने गाइस 6 फाइट ही खेला है उसने यूएफसी में, लेकिन 6 में से गाइस एक बहुत पॉपुलर हुआ था, मिकी गैल, इसने डेब्यू किया था अपना गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ के, डब्ल्यूडब्ल्यूई में वो पीक में था अपना करियर का, वो छोड़ के गाइस उसने यूएफसी में डेब्यू किया था। तो वहां पे उसको उसने हराया था मिकी गैल ने, पहले ही राउंड में गाइस मेरे को लगता है 1 से 2 मिनट के अंदर अप्रोक्स उसने हरा दिया था। एक जाके सीधा कैसा है, लोगों को लगता है कि जो भी है डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलर्स है खास करके जो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के, तो अगर आप अपना लेग्स वाइड रखते हो ना, एकदम लेग्स वाइड रख के आगे आया था गाइस, आपको अपना अभी नीचे का कैमरा एंगल नहीं दिखता रहेगा, अगर लेग्स ज्यादा वाइड नहीं रखना है गाइस, हम लोग को लेग्स पास रखना है एमएमए में, क्योंकि लेग्स अगर वाइड रहा ना तो सामने वाला आपका पैर पकड़ के आपको ग्राउंड में लेके जाता है गाइस, टेक डाउन लेता है। बॉक्सिंग नहीं है, स्टैंड अप गेम नहीं है, इसमें टेक डाउन भी होता है। टेक डाउन लिया उसने, सेम पंख बहुत ही स्ट्रेच करके ऐसा आ रहा था उसके पास, जैसे कि ऐसा मारने वाला है उसको, तो उसने डायरेक्टली उसका लेग पकड़ा, टेक डाउन लिया, और फिर जो उसने ग्राउंड एंड पाउंड किया गाइस, ग्राउंड एंड पाउंड मतलब नीचे ग्राउंड में पंचस थ्रो कर रहे हैं, फेस पे नाक पे फोड़ दिया गाइस उसने उसको, इतना फोड़ा कि मतलब रेफरी आके एक स्टॉपेज है गाइस, ये बहुत अच्छा, ये फाइटर के सेफ्टी के लिए होता है, ठीक है।
तो रेफरी आके रोक देता है। अभी पहले ऐसा नहीं था, अभी कुछ सालों से रेफरी खुद आके रोक लेता है। अगर फाइटर जो डिफेंड नहीं कर रहा ना खुद को, अगर मार खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है, तो फाइटर आके रोक देगा। तो ये हिस्ट्री था। तो कल के फाइट में गाइस मिकी गैल इतना, मतलब इतना हाइप्ड अप था वो। और माइक पेरी का मैं बताता हूँ, एक माइक पेरी ने कल के फाइट में, एवरी फाइट में एक कैंप रहता है गाइस इन लोग का, फाइटर लोग का। तो कैंप में इन लोगों को पूरा 2 से 3 महीना अलग लेवल का ट्रेनिंग दिया जाता है। और इनका स्ट्राइकिंग कोच रहता है बॉक्सिंग का, इनका रेसलिंग कोच अलग से रहता है, इनका जिजुत्सु कोच रहता है। एक ग्राउंड गेम में जिजुत्सु के बारे में बात किया था मैंने, तो अलग अलग कोचेस रहते हैं गाइस। तो इसने इस बार के कैंप में, कल के फाइट में, इसने गाइस कोई कॉर्नर मैन ही नहीं था, किसी के साथ वो ट्रेन ही नहीं करता। एक बंदी थी, एक नई गर्लफ्रेंड पटाई है उसने गाइस, उसके साथ वो ट्रेनिंग कर रहा था। वो भी शायद बॉक्सर ही है क्या पता नहीं, नेशनल्स वगैरह पता नहीं, आई डोंट नो। बट उसके साथ उसने ट्रेन किया गाइस। और आके जो उसने, जो डोमिनेटिंग फैशन में उसने मिकी गैल को हराया है गाइस, डिसीजन में हराया, लेकिन डिसीजन में हराया, नॉकआउट नहीं था, लेकिन हर एक राउंड में नॉकआउट वाला पंचेस उसने थ्रो किया। लेकिन मिकी गैल भी बहुत टफ था, लेकिन बहुत ज्यादा डोमिनेट किया है मिकी गैल का। तो पूरा कॉर्नर मैन थे, अच्छे से कैंप था उसका, ट्रेनर थे, इसका ट्रेनर नहीं, कोई भी नहीं था। ये गर्लफ्रेंड के साथ में, अगर ये उसने बोला है इंटरव्यू में, अगर ये सच है तो सुपर है गाइस। उसने पहले राउंड में उसने बहुत ज्यादा पंचेस वगैरह थ्रो किया, टेक डाउन लिया है, दूसरे राउंड में भी उसने टेक डाउन लिया है, थर्ड राउंड में भी उसने टेक डाउन लिया है गाइस। और डोमिनेटिंग फैशन में, स्कोर्स में, बहुत ही डोमिनेटिंग स्कोर से वो जीता है। और मेन इवेंट गाइस, मेरे को इतना एक्सपेक्टेशन था नहीं, डस्टिन पोरियर वर्सेस डैन हुकर, एक्सपेक्टेशन था नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों, लेकिन अच्छा हुआ गाइस। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैं वो मैच देख पाया गाइस। 5 राउंड का मैच रहता है, को मेन इवेंट, बाकी सारा जो भी इवेंट रहता है वो 3 राउंड का मैच रहता है, 5-5 मिनट्स का, यानी कि 15 मिनट्स का 3 राउंड टोटल। लेकिन जो मेन इवेंट रहता है लास्ट में, ठीक है, 6:30 बजे फाइट चालू हुआ, 9 बजे तक एक मेन इवेंट रहता है, लास्ट जो फाइट रहेगा ना लाइव का, वो स्पोर्ट का, वो मेन इवेंट रहता है। वो मेन इवेंट रहता है 5 राउंड का गाइस, ईच फाइट 5 मिनट, 5 5 20 5 मिनट्स का फाइट गाइस। इतना गैस टैंक खाली हो जाता है ना बॉडी का, गैस टैंक क्या नहीं, कार्डियो बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा कार्डियो अच्छा रहना चाहिए ना, तो थकते हैं इन लोग। लेकिन यूएफसी के गाइस, इन लोग अलग लेवल के एथलीट्स हैं, इन लोग का फूड परफॉर्मेंस सुपर है, इसके लिए इन लोग सर्वाइव कर पाते हैं। तो डस्टिन पोरियर वर्सेस ये डैन हुकर गाइस, 5 राउंड इन लोग ने गाइस, मेरे को तो ऐसा लगा कि फेस जो है ना वो कैनवस से गिर जाएगा गाइस, मतलब निकल जाएगा फेस। ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऐसी कभी कभी लगता है देख के, ठीक है, अपना बोन बहुत स्ट्रांग है, फेस का कुछ होता नहीं, ठीक है। तो गाइस हर एक राउंड में दोनों स्ट्राइकर है गाइस, दोनों स्ट्राइकर है, टेक डाउन लेते हैं लेकिन बहुत कम। तो डैन हुकर ने एक सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में और फाइनल राउंड में भी ये टेक डाउन लिया था। और इसने, इन्होंने, डस्टिन पोरियर ने 1 से 2 टेकडाउन लिया, डैन ओकर ने 3 से 4 बार टेकडाउन लिया, लेकिन पंचस बहुत ज्यादा दोनों ने थ्रो किया, लेकिन कनेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा था, प्रॉपर कनेक्ट डस्टिन पोरियर का गाइस। ये भी डिसीजन के लिए गया था, नॉकआउट नहीं था, लेकिन बहुत, दोनों सुपर फाइट था गाइस। तो यही था गाइस आज के लिए, मेरे को यही सब बोलना था। तो ये मेरे एमएमए फैंस के लिए गाइस, जो नहीं है वो भी अगर आप लोग कनेक्ट रहते तो आप लोग देख लो। और आज ही एक मैसेज आया था मेरे को कि मैं एमएमए का फैन हूँ, एक बंदे का, मेरा एसआईएस का, कॉलेज का एक बंदा था, तो मेरे को ट्रिगर हुआ, बोला कि अरे मेरा, मेरे को पसंद है ये चीज़, तो करता हूँ आज ही करता हूँ, वाई नॉट, कल ही तो फाइट हुआ है। तो आज का वीडियो यही था गाइस, अगर आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो लाइक करो और कॉमेंट करो जो भी आपका थॉट्स है, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को गाइस, ताकि मैं और भी अच्छा कॉन्टेंट बना सकूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।